मैं सभी लोगों को बड़े नम्रतापूर्वक सलाम पेश करता हूँ। भगवान आप सबको हिफाजत में और सेहतमंद रखे। आज मैं पहली बार एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से तो कोविड-19 का, कोरोना वायरस का जो आफत हम सब पर आई है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से बोला है। मैं आज जो बात आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूँ, जो अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र के कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे का अपने दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना की लड़ाई में फ्रंट पर आकर और सारी जनता को साथ में लेकर, सारी जनता को ढांढस बताकर काम किया। उन्होंने एक बात और कही कि कोरोना की लड़ाई तो हम जीतेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, लेकिन एक वायरस नया आया है जो लोगों के दिलों में धर्म धर्म में तेढ़ निर्माण कर रहा है, उसके लिए भी हमको लड़ना है। उनकी ये संवेदनशीलता को मैं सलाम करता हूँ और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं परभनी से एडवोकेट मुजाहिद खान हूँ। जैसा ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उसके दूसरे दिन से ही यहाँ की मुस्लिम संगठन, मुस्लिम इंडिविजुअल काम पे लग गए। उन्होंने सर्वे करना शुरू किया कि कौन से घर ज़रूरतमंद है, कौन से घरों को अनाज की ज़रूरत है, कौन से घरों को दवाइयों की ज़रूरत है, कौन से घरों को थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है। और तीसरे दिन से वो लोगों ने लोगों को अनाज देना, खाना पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाने का काम शुरू किया है। मैं अगर नाम लूँगा तो वो बहुत लंबी बड़ी फहरिस्त तैयार होगी। मैं इसके ज़रिए कहना ये चाहता हूँ कि आज देश में एक पर्टिकुलर समाज के विरुद्ध में जो एक गंदा वातावरण तैयार किया जा रहा है, लेकिन आज इस तकलीफ की, संकट के दौर में वही आज वही समाज जगह जगह पर अपने शहरवासियों का, अपने समाज बांधव की मदद करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं की जा रही, हर समाज के हर ज़रूरतमंद को अनाज दिया जा रहा, अनाज पहुँचाया जा रहा है। रही बात ये मेरे, मैं पैदा हुआ जब से मैं अब तक मैंने देखा कि कभी मस्जिदें बंद नहीं हुई, कभी जुमे की नमाज मैंने घर में नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे शासन के आदेश के ऊपर और इस कोरोना संकट को लड़ने के लिए शासन को पूरी मदद करने के ऊपर करने की हिम्मत से हमारे मुसलमान समाज ने मस्जिदें बंद कर दी, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों के अंदर ज़रूरतमंदों को अनाज का वाटप शुरू कर दिया। तो हम बहुत अमन पसंद हैं। हम इस जो वायरस जो आया है, हम इसमें लड़ने के लिए शासन की, हुकूमत की पूरी तरीके से हम दिल से मदद, दिल तन मन धन से मदद कर रहे हैं, करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं। और फिर से मैं एक बार मैं हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कि आज मालिक के करम से महाराष्ट्र को उनके जैसा नेता मिला जो इस संकट की घड़ी में सबको लेके चल रहा है। हमारा समाज, हम सब उनके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।